अरे तुम इतने कांप क्यों रहे हो? ठंड लग रही है। ठंड लग रही है? हाँ। तो पेड़ पे क्यों चढ़ा है? और ऊपर चढ़ जाता, फुंगी पे चढ़ जाता। बेवकूफ लड़का, लोग गर्मी से राहत पाने के लिए पेड़ पे चढ़ते हैं और ये ठंडी से राहत के लिए पेड़ पे चढ़ा हुआ है। और देखो कांप कैसे रहा यार, इतनी अच्छी जैकेट पहनी हुई है, इतना बढ़िया मफलर बांधा हुआ है, फिर भी इसको ठंड लग रही है। उतरो नीचे बेवकूफ लड़का। ये इतनी अच्छी जैकेट किस लिए पहन रखी है और ये मफलर बांध रखा है तुम, कि तुमको इतनी ठंडी लग रही है? सच में ठंडी लग रही है तुमको? खैर, तो ये जैकेट पहनते हुए मफलर बांधते हुए ठंड तो नहीं लगनी चाहिए तुमको? सर लग रही है बहुत। तो फिर ये उतार कर फेंक दो, ये जैकेट, ये मफलर उतार कर फेंक दो। सर ये जैकेट है। अरे तो जैकेट ही तो है। हाँ बेवकूफ, ये जैकेट है या मफलर है, तुमको क्या लगता है? सर आप इतना गलत क्यों बोल रहे हैं? सर आप सुना है कि आप पढ़ाते भी हैं इंग्लिश और? हाँ हाँ, इंग्लिश तो पढ़ाता हूँ। तो सर आप इतना गलत क्यों बोल रहे हैं? सर जैकेट कहा जाता है, इसको मफलर कहा जाता है। बेवकूफ लड़का, साहब पागल है, बता दे, टीचर को समझा रहा है ये, इतने पॉपुलर टीचर को ये समझा रहा है बेवकूफ, कि इसे जैकेट मत बोलिए, इसे मफलर मत बोलिए, तो इसे जॉकेट बोलू, मफलर बोलू इसे? यही तो गलती कर रहे हो तुम। लोग गांव में ऐसे होते ही हैं, अगर आप सही प्रोनाउंसिएशन करोगे ना तो लोगों को गलत लगेगा। जैसे इसको लगा है, हो सकता है इसने बचपन से ही सुना हो जॉकेट, जॉकेट सुने हो ना? हाँ सर। और मफलर, मफलर सुना होगा, और मैंने जब जैकेट और मफलर कहा तो इसको दिक्कत हो गई और बोल रहा है कि आप तो इंग्लिश टीचर हैं, पढ़ाते हैं, आप ही गलत बोलेंगे, तो बच्चा क्या बोलेगा? कांपो, काम कांपो, ठीक है? इतनी ठंडी तो नहीं लगनी चाहिए यार जैकेट पहनते हुए। तो मैं बात कर रहा था जैकेट की, ठीक है? ये हमको जॉकेट सिखला रहा है। जॉ की मात्रा नहीं होती, उसकी स्पेलिंग देखोगे ना, JOCKET, ऐसा नहीं है, JACKET, जैकेट ऐसा है। जे ओ होता तो जॉकेट होता। और मोफलर की बात करो, मो जो निकाल रहे हो, मो मो नहीं, मा है वो, MUFFLER, मफलर, हिंदी में गुलबंद कहते हैं। क्या बोलोगे? मफलर। हाँ मफलर कहोगे, मो नहीं बोलोगे, क्योंकि यू से ओ कभी होता ही नहीं है। यू से ऊ हो सकता है, यू हो सकता है, अ हो सकता है ना, लेकिन यू से ओ कैसे हो जाएगा यार? मफलर इंग्लिश का वर्ड है, मफलर। और ये जैकेट भी जॉकेट नहीं, जैकेट को हिंदी में फतुही कहते हैं। अगर तुम गलती से भी गांव में फतुही कह दोगे ना तो लोग तुम पे हंस पड़ेंगे, है ना, तुम्हारी खिल्ली उड़ा देंगे लोग, है ना, कि फतुही, क्योंकि लोगों को पता भी नहीं होगा कि ये फतुही है। हम तो गांव वाले लोग ये समझते हैं कि फतुही का मतलब होता है बहुत पतली जालीदार टाइप का कोई शर्ट वर्ट या कोई कपड़ा उपरा, अगर पहन के निकल लो सर्दी में तो लोग कहते हैं अरे यार फतुही क्यों पहन रखा है, ठंड मार देगी तुमको, है ना? तो फतुही लोग उसे समझ लेते हैं, नहीं फतुही जैकेट है, जॉकेट नहीं, और गुलबंद मफलर है, मोफलर नहीं है। हाँ जा करके तुम आग जला करके थोड़ा सा अपने आप को, है ना, वार्म अप कर लो, हाथ वाथ सेक लो, ठीक है, ठंडी से बच के रहो। हमको लगता है तुमको ठंडी लग गई है, नहीं तो इतनी ठंडी तुमको नहीं लगती, जैसे कांप रहा है ये बंदा, है ना, इतने कांप रहे हो तुम। जाओ, और हाँ आगे से जाओ नहीं जय, और मो नहीं मा, ठीक है, जाओ जाकर आग तापो।